नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, मैं हुमांशी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और देखिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि निफ्टी स्पेस में भी अहम कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं और साथ ही एफएनओ स्पेस की कंपनियों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन इस सबसे पहले आज देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों के संकेत हमें क्या कह रहे हैं। अच्छे संकेत विदेशी बाजार से आप देख पाएंगे। देखिए एसडीएक्स निफ्टी हरे निशान के साथ 11,637 के स्तर पर फिलहाल खरीदारी का रुझान दिखा रहा है। लेकिन तमाम एशियाई बाजार एक बार देख लेते हैं। हांगकांग के बाजार में क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 123 अंकों की तेजी हांगकांग के बाजार आपको दिखाएंगे और साथ ही निकाई में भी 295 अंकों की शानदार तेजी के साथ कामकाज। लेकिन शंघाई के जो बाजार है यहाँ पर हर किसी बिकवाली का दबाव भी आप देख पाएंगे। तो कह सकते हैं कि एशियाई बाजार अच्छे खुलते हुए दिख रहे हैं लेकिन अमेरिकी बाजारों की कल की अगर क्लोजिंग देखें तो वहां पर रिकवरी के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी। डाउ, S&P, नैसडैक तीनों ही इंडेक्स आपको हरे निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लेकिन एशियाई बाजार और अमेरिकी बाजार ग्लोबल सेटअप हमें क्या समझाना चाह रहा है ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार से आज संकेत हमारे हक में है? बिल्कुल हक में है। गुड मॉर्निंग मानसी। और इनफैक्ट मैं क्या कहना चाहूंगा कि उम्मीद है जो कि मार्केट्स को ऊपर की ओर ड्राइव करती हुई दिख रही है, वो उम्मीद यही है कि दरों में कटौती होगी जब फेड की बैठक होगी जुलाई के अंत में। एक चौथाई फीसदी के आसपास ही कटौती होनी है, ये तो हर कोई मान के चल रहा है। लेकिन अब उम्मीद ये बन रही है कि शायद एक चौथाई फीसदी से ज्यादा कटौती फेड की ओर से देखने को मिलेगी। इसी उम्मीद में कल अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजार चढ़ के बंद हुए या यूं कहें लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखे। डाउ आपको नजर आएगा केवल 3 पॉइंट ऊपर था लेकिन निचले स्तरों से 150 अंकों से ज्यादा रिकवरी आपको नजर आएगी और दो दिन से लगातार जो गिरावट थी यूएस के मार्केट्स में वो कहीं ना कहीं थमती हुई दिखी है। यही कारण है कि आज आप देखिए एशियन मार्केट में भी शुरुआत पॉजिटिव देखने को मिली है। एसडीएक्स निफ्टी 1/4% के आसपास ऊपर कारोबार कर रहा है। दरअसल हुआ क्या है, कल न्यूयॉर्क के जो फेड प्रेसिडेंट है जॉन विलियम्स, उनकी ओर से एक बयान निकल के सामने आया कि इकॉनमी में स्लो डाउन है तो फेड को बहुत जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। तो बाजार इससे कहीं ना कहीं ये पढ़ के चल रहा है कि अब जब फेड जुलाई अंत में मिलेगा, जब बैठक होगी, तो जो कटौती होगी वो शायद जितना पहले एंटिसिपेटेड था, पहले जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि बाजार अब ये मान के चल रहे हैं कि 0.5% के आसपास की कटौती फेड की ओर से होगी। इसी उम्मीद में कि 0.5% ब्याज दरें कट जाएंगी, कल अमेरिकी बाजार चढ़े और आज अगर आप देखें तो एशियन मार्केट में भी उसका एक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे लिए अच्छी बात यह भी है कि यूएस में जो प्रोडक्शन बंद हुआ था वो फिर से रिस्टोर होना शुरू हो गया, दोबारा शुरू हो गया वहाँ पे प्रोडक्शन। तो उससे कल अगर आप देखें तो क्रूड में 1.5% के आसपास ही गिरावट हमने देखी थी। आज जरूर जो एशिया में शुरुआत हुई उसमें आप बढ़त देख रहे हैं लेकिन कल अगर आप देखें तो $62 के नीचे ब्रेंट चला गया था और WTI में $55.50 के नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे थे। एक बयान आया है ट्रंप साहब की ओर से कि अमेरिकी जल सेना ने ईरान का जो एक ड्रोन है उसे मार गिराया है। तो उसके बाद आज देखिए एशियन मार्केट में शुरुआत 1.5% की मजबूती के साथ हुई है। और करेंसी अगर आप देखें तो कल डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर हुआ था रुपया। तो कहीं ना कहीं क्रूड तो हमारे हक में है लेकिन करेंसी की दिक्कत है। अगर रुपया आज मजबूत खुल जाता है तो फिर ये फैक्टर भी हमारे हक में हो जाएगा। तो नेट नेट देखा जाए आज दो दिन की बड़ी गिरावट के बाद आज कहीं ना कहीं जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से वो हमारे हक में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार दो दिन की गिरावट के बाद आज खरीदारी देखने को मिल रही है एशियाई बाजार में। जैसे आप चमक देख रहे हैं इसकी वजह से संदीप बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है उसके बाद एशियाई बाजार चढ़ते हुए दिखे और अमेरिकी बाजार दरों में 1/4% से ज्यादा की कटौती की उम्मीद से चढ़ते हुए और चढ़ने के बाद ही कल क्लोजिंग दिखा रहे थे। संदीप, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIIs कैश मार्केट में कल कर रहे थे बिकवाली 1405 करोड़ की, वहीं DIIs ने कैश मार्केट में 330 करोड़ की खरीदारी की और FNO में FIIs 1153 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस में FIIs की तरफ से कैसा आउटलुक है देखें। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1368 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 601 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से आती दिखी है और स्टॉक फ्यूचर्स में 704 करोड़ की बिकवाली FIIs ने की है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, ग्लोबल बाजार गुड मॉर्निंग, आज अच्छे संकेत दिखा रहे हैं, कैसे समझे ग्लोबल बाजार को और कल बुरे नतीजों के दम पर भारतीय बाजार की क्लोजिंग बुरी हुई थी, आज की शुरुआत कैसी हो सकती है? गुड मॉर्निंग मानसी, ग्लोबल संकेत तो इससे बेहतर मान ही नहीं सकते क्योंकि जहाँ एक और दुनिया भर के बाजारों में अच्छी तेजी का माहौल है वही है, दूसरी तरफ कच्चा तेल भी नीचे आया है तो हमारे लिए तो डबल फायदा है एक्चुअली। और डाउ जिस तरह से 200 अंक उछला है निचले स्तरों से और बढ़िया क्लोजिंग दी है और कल हम बंद हुए तब उस समय तो डाउ फीचर्स अच्छी खासी कंपनी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे, तो एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद वैसे भी नहीं थी
तो उम्मीद से बेहतर ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में दिखा है और उसके बाद कच्चा तेल भी थोड़ा नीचे आया, तो दोनों ही फायदे वाली बात है। तो ग्लोबल संकेत बहुत ही बेहतर है। अच्छी बात ये भी है कि एशियाई बाजार इस पर रिएक्शन कर रहे हैं। अब जो कल की कमजोरी का सवाल है, कल की कमजोरी काफी हद तक है ना, ये आप समझ लीजिए एक्सपायरी की वजह से हुई थी। एक्सपायरी के पहले पिछले दो दिनों में जिस तरह की मजबूती हुई थी मंगल और बुध को, तो उसको देखते हुए काफी तेजी की पोजीशन ट्रेडर्स ने बनाई थी। सोचा था कि एक्सपायरी दमदार होगी। आपने देखा भी होगा हमारा पोल भी ये कह रहा था कि 11,700-11,750 की रेंज में ज्यादातर लोग एक्सपायरी मान रहे थे। अब कभी कभार ऐसा होता है कि वो डेटा आपका सही नहीं पड़ता है और मार्केट कुछ अलग मुंह दे देता है। कल ग्लोबल संकेत इतने अच्छे नहीं थे, इस चक्कर में एक्सपायरी नीचे तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन कल ही कम हो चुकी है। अब जहां तक आज का सवाल है, मुझे लगता है 11,575 मजबूत सपोर्ट है आज के लिए, ये टूटेगा नहीं। हम मजबूत खुलते हैं अगर 15-20 पॉइंट के ऊपर, तो वहां से भी और खरीदारी हो सकती है। ऊपरी स्तर पर 11,700 ये है लेवल जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। तो आज के लिए रेंज 11,550-11,700 की रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक ही है 30,300-30,350, ये वो रेंज जहां बेहद मजबूत सपोर्ट है, टूटेगा नहीं। ऊपरी स्तरों पर 30,600-30,700 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी के आसार हैं। बिल्कुल अनिल जी, आज नतीजों के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। एक तो रिलायंस के नतीजे आने और एफएनओ स्पेस में तो डाबर, इंडिगो, आरबीएल बैंक, एलएनटी फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक, तमाम कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगी, तो इन नतीजों का असर बाजार पर कैसा दिखेगा? देखिए रिलायंस के नतीजे तो बाजार पर होने के बाद आएंगे, सोमवार को असर दिखेगा। लेकिन हाँ, नतीजे अभी तक जो संकेत आ रहे हैं उससे इस बार शायद नतीजों की उम्मीद तो कमी है, तो रिजल्ट के पहले रिलायंस भागेगा इसकी संभावना कम है। इंडिगो दमदार रिजल्ट आएंगे, स्टॉक की प्राइस में भी दिख रहा है, तो वो अलग बात है कि रिजल्ट के बाद सेल ऑन न्यूज हो सकता है, लेकिन रिजल्ट के पहले इंडिगो मजबूत रहेगा। आरबीएल बैंक ट्रिकी है, उम्मीद अच्छे नतीजों की नहीं है। आरबीएल बैंक के नतीजों में एक चीज देखने लायक होगी, वॉच लिस्ट। अभी तक कभी बैंक ने अपनी वॉच लिस्ट दी नहीं है, क्या इस बार बैंक अपनी कोई वॉच लिस्ट दिखाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एसीसी जिसने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, शानदार है, बहुत ही बेहतरीन। मुझे लगता है स्टॉक आराम से 3-4% चढ़ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो नतीजों के लिहाज से इंटरेस्टिंग एक्शन रहने वाला है। बिल्कुल आनंद जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ट्रेडिंग रेंज निफ्टी में देखिए 11,550-11,700 की आपको ध्यान में रखनी है, और बैंक निफ्टी 30,325-30,600 की ट्रेडिंग रेंज है जहां पर आपको ध्यान रखना है। और नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है और एक्शन भी काफी देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि कल एसीसी ने अपने नतीजे जहां पर पोस्ट किए थे, अनुमान से अच्छे नतीजे आते हुए दिखे थे, लेकिन आज निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं नतीजे बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संदीप ग्रोवर। संदीप गुड मॉर्निंग, बताएं रिलायंस के नतीजों से क्या उम्मीदें हैं? चलिए संदीप से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा से जान लेते हैं आज खबरों वाले शेयर्स कौन से। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी, आज नतीजों के लिहाज से तो काफी इंपॉर्टेंट दिन है जैसे कि आपने बताया भी, और उसी से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आज आने वाले नतीजों में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी स्पेस से ये अपने नतीजे घोषित करेगी, यहां पर आपको नजर रखनी है। और इसके अलावा एफएनओ सेगमेंट से आरबीएल बैंक, डाबर, इंडिगो, हिंदुस्तान जिंक और एलएनटी फाइनेंस जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो एक्शन पैक रहने वाला है अगर नतीजों की बात करें तो, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद भी काफी सारे नतीजे आए थे, तो उसके दम पर भी आज कुछ हलचल देखने की उम्मीद है। एसीसी से पहले शुरुआत कर लेते हैं जो नतीजे कल आए हैं, और नतीजे काफी अच्छे हैं और हम जो अनुमान कर रहे थे उससे काफी बेहतर इस बार नजर आए। आय में हम फ्लैट ग्रोथ की अनुमान कर रहे थे, लेकिन 8% की ग्रोथ देखी गई है और मार्जिन और मुनाफा दोनों ही फ्रंट पर नंबर्स काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा स्टरलाइट टेक, यहाँ पर भी साल दर साल नंबर्स अच्छे हैं। अगर आय की बात करेंगे तो 60% से ज्यादा की ग्रोथ आय में आई है और मुनाफे में करीब 16% की ग्रोथ इस बार देखी गई है, तो अच्छे नंबर्स स्टरलाइट टेक के भी। इसके अलावा साइंट के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नतीजे कमजोर हैं इस बार, जो आय में करीब 6% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफे की बात करेंगे तो 50% की गिरावट इस बार मुनाफे में देखी गई है और मार्जिन भी घटे हैं, 12.8% से घटकर जो मार्जिन के नंबर्स आए वो 9.2% के आसपास आए। एक और आईटी कंपनी एलएनटी इंफोटेक ने भी अपने नतीजे घोषित किए और नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक ही दिखाई दे रहे हैं, तो हल्का दबाव की हम उम्मीद भी कर रहे थे और उसी के फ्रंट पर नंबर्स दिखे भी हैं। मुनाफे में 6% की गिरावट, आय सपाट रही है इस बार और जो मार्जिन के नंबर से यानी जो कामकाजी मुनाफा था उसमें 9% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है।
और आखिर में बात करते हैं रैलिस इंडिया की, यहाँ पर भी जो नतीजे आए हैं अनुमान के मुताबिक ही दिखाई दे रहे हैं। आय में 9% की बढ़त हुई है और मुनाफे की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर 23% की बढ़त हुई है। कंपनी ने अपने कॉस्ट में कुछ कमी करने की कोशिश की है जिसका कि असर मार्जिन और मुनाफे पर देखा गया है। चलिए ये तो बात हुई नतीजों की, और आज इम्पोर्टेंट ट्रिगर में सीपीएसई ईटीएफ, यहाँ पर नज़र रखिए। आज से रिटेल निवेशकों के लिए ये ईटीएफ खुलेगा, कल एंकर निवेशकों के लिए खुला था और काफ़ी शानदार रिस्पांस, 8 गुना सब्सक्राइब ये ईटीएफ हो चुका है, तो आज इस पर भी नज़र रहेगी। इसके अलावा कैपेसिटी इंफ्रा कंपनी की अहम बोर्ड बैठक है, क्यूआईपी को लेकर कुछ फैसला हो सकता है, पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है। थर्मेक्स भी फोकस में रहेगा, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, करीब 470 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है, तो इसके इस खबर के चलते आज स्टॉक में भी तेजी देखने की उम्मीद है, अच्छी खबर है थर्मैक्स के लिए। और श्रेय इंफ्रा पर भी नजर रखिए, श्रेय इंफ्रा और श्रेय इक्विपमेंट के मर्जर की बात हुई थी जो कि अब रद्द हो गई है, और अब श्रेय इंफ्रा के कुछ जो वर्टिकल्स हैं, बिजनेस वर्टिकल्स हैं, कुछ कारोबार हैं, वो अब श्रेय इक्विपमेंट में मर्ज होंगे। इसमें लेंडिंग कारोबार को श्रेय इक्विपमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा और निवेशकों को श्रेय इक्विपमेंट के शेयर जारी किए जाएंगे, तो इस तरह की कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं जिसके चलते आज श्रेय इंफ्रा पर भी नजर रखिए। बिल्कुल पूजा, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबरों के दम पर भी एक्शन है और साथ ही नतीजे भी ढेर सारे, और इवेंट्स भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे आज आने हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि आज निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस अपने नतीजे पेश करने जा रही है, संदीप अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप बताएं रिलायंस के नतीजों से क्या उम्मीदें हैं? देखिए कुछ खास उम्मीद है नहीं इस बार, अगर आप नंबर्स की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर आप कंसो बेसिस पे देखें आय जरूर इनकी 6.5% के आसपास बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि रिफाइनिंग जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है वहाँ पे इस बार जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। पिछले क्वार्टर में शटडाउन था, वो रिस्टोर हुआ है, तो जो वॉल्यूम्स 16 MMT के आसपास के थे वो बढ़कर 17.5 MMT के आसपास के देखने को मिलेंगे। इस बार जीआरएम्स में भी इंप्रूवमेंट की उम्मीद है क्योंकि क्रूड करीब 9% के आसपास चढ़ा है। अगर आप औसतन कीमतें देखें तो जो $8.2 के जीआरएम्स थे वो या तो फ्लैट या तो फिर $8.5 तक बढ़ के हुए आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात है इनका जो पेटकेम सेगमेंट है, इस बार वॉल्यूम तो बढ़ेंगे वहाँ पे करीब 11% के आसपास, लेकिन जो मार्जिन है वो घटकर 18% के आसपास के देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा सेटबैक है जो कि इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप बाकी नंबर्स की बात करें तो उसमें जो इनका रिटेल कारोबार है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कई तिमाहियों से, इस बार भी कामकाजी मुनाफा करीब 5% बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात एक और है कि जियो के नंबर्स इस बार शायद सपोर्ट ना करते हुए दिखें। इस बार हमारा अनुमान है कि इनके जो आरपूस हैं, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, उसमें कमी देखने को मिल सकती है, 126 के मुकाबले 124 तक के ड्रॉप भी देखने को मिल सकते, क्योंकि जो लो कॉस्ट प्लान्स हैं वहाँ पर ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो जियो के नंबर्स इस बार खराब रह सकते हैं, और उसके साथ साथ जो पेटकेम साइड में जो मार्जिन गिरते हुए दिखेंगे उससे हो सकता है कि नंबर्स पे इस बार प्रेशर देखने को मिले। हमारा अनुमान है कि इनका कामकाजी मुनाफा कंसो बेसिस पे 4.5% गिरता हुआ दिखेगा, मार्जिन 15% वाले 13.5% के आसपास के आ जाएंगे, और मुनाफे में भी करीब करीब 7.75% के आसपास का ड्रॉप आएगा। और हो सकता है कि 2-3 तिमाहियों से जहां हम 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुनाफा देख रहे हैं, इस बार वो 10,000 के नीचे फिसल जाएगा और 9,662 करोड़ रुपये के आसपास का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। आज बाजार में कहां हो सकती है आपकी कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई हैं एंजल ब्रोकिंग की स्नेहा सेठ। स्नेहा गुड मॉर्निंग, कल की गिरावट के बाद आज बाजार में कैसी ओपनिंग आप देख रही है और साथ ही स्टॉक कौन सा सजाएंगी? नमस्ते मानसी जी, अगर आप निफ्टी का कल का मूव देखें तो काफी एग्रेसिव सेलिंग दिखी हमें निफ्टी में, 11,700 काफी अच्छा हर्डल एक्ट कर रहा है, और मार्केट में आप देखेंगे जो पोजीशन वाइज है ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हमें कोई भी एक डायरेक्शन में कहीं कंसिस्टेंटली पोजीशंस बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो पोजीशंस है काफी मिक्स्ड है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और अगर आप देखें यहाँ से सपोर्ट अभी के लिए 11,600 का था, पर जिस तरह से कल की सेलिंग है तो हमारा मानना है कि उससे थोड़ा नीचे जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर अपसाइड मार्केट में थोड़ा मूव दिखे टुवर्ड्स 11,657 तो एक शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट में टारगेट अराउंड 11,500-520 के आसपास रहेगा, और स्टॉप लॉस 11,700-710 का मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, स्टॉक कौन सा सुझाएंगी स्नेहा? स्टॉक स्पेसिफिकली बलरामपुर चीनी, स्टॉक स्पेसिफिकली हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखें तो वो काउंटर काफी अच्छे सपोर्ट जोन पे, इनफैक्ट वो मल्टी ईयर सपोर्ट जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली थोड़ी बहुत हमें लॉन्ग पोजीशंस भी बनते हुए दिखी है। तुम्हारा मानना है कि इसमें आप लॉन्ग करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका 710 के आसपास रहेगा, टारगेट 810 तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर टर्म में। बिल्कुल स्नेहा, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।
और अब वक्त हो गया आज के अहम ट्रेडिंग कॉल्स जानने का। सबसे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज की राय से शुरुआत करते हैं। इनका मानना है कि एचडीएफसी लिमिटेड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप 2370 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 2325 का स्टॉप लॉस लगाएं। बिकवाली करनी है आपको आरबीएल बैंक पर। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि 565 के टारगेट्स को यहाँ ध्यान में रखें, 585 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज का मानना है कि इंडिगो को आपको आज करना है बाय। ध्यान रखिएगा आज कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं। यहाँ पर आपको 1435 के स्टॉप लॉस के साथ 1490 का टारगेट देखने को मिल सकता है। साथ ही कैनफिन होम्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 402 के लक्ष्य यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर 382 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। आईडीबीआई कैपिटल की राय एमसीएक्स के फ्यूचर्स पर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स पर है। एमसीएक्स फ्यूचर्स में करें आप खरीदारी, 897 के टारगेट्स को ध्यान में रखें और साथ ही 863 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। और बालकृष्ण के फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी, 781 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 760 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई है एसएमसी ग्लोबल की वन्ना भारती। वन्ना गुड मॉर्निंग। कल से ही लेकर इनफैक्ट दो दिन से अगर कोई कमोडिटी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही है तो वो है बेस मेटल्स। निकिल 13 महीनों की ऊंचाई के स्तर देख चुका है, आपकी राय निकिल पर क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, आपने बहुत अच्छा बताया यहाँ पे। और जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है और एक फिगर भी है कि इंडोनेशिया ने कहा है कि वो 2022 के बाद 2022 से फिर से एक्सपोर्ट बैन कर सकते हैं निकल का, इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे बहुत ज्यादा आया है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है वो भी इंटैक्ट है और भी अपसाइड जो है वो आने वाला है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे 1020 का लेवल मिलता है तो 1050 तक के स्तर के लिए यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करके चलना चाहिए 1005 रुपये का। और थोड़ी भी अगर थोड़ा भी पॉजिटिव डेटा आता है तो मुझे लगता है कि प्राइसेस को और बूस्टअप मिलेगा। बिल्कुल वन्ना जी, लेड में भी क्या खरीदारी का मौका बन रहा है? जी मानती, मैंने आज बेस मेटल पैक इसलिए चूज किया क्योंकि बुलियन से हो सकता है कि फिर हम गैप अप ओपनिंग देखें और वहाँ हमें ट्रेड करने का मौका ना मिले। लेड में मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअल अपसाइड जो है वो यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि करंट वन कॉन्ट्रैक्ट में अगर 156 से बाय करें तो एक 159 का जो स्तर है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 154.5 का। बिल्कुल वन्ना जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो दोनों ही लेड और निकल पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स जानने का और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रिसर्च एनालिस्ट देवांशी आशर। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, आज सबसे पहले कोलगेट से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से नतीजे आते हुए दिखे थे ओवरऑल बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस यहाँ पे मार्जिन्स में आते हुए दिखे थे, लेकिन जो नेगेटिव सरप्राइजेस थे वो नहीं थे। इसके चलते सारी ब्रोकिंग हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर सीएलएसी की बात करें, खरीदारी की राय दे रहे हैं 1400 तक के लक्ष्य यहाँ पे सुझा रहे हैं। जेफरीज होल्ड रेटिंग है 1365 तक के लक्ष्य यहाँ पे दे रहे हैं। और साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच यहाँ पे अभी भी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं 1167, ये टारगेट्स वो यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले अगर सीएलएसी की बात तो वो मानते हैं कि जो मार्केट शेयर है वो काफी बना हुआ है और जो नतीजे वो थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ये मान के चल रहा है कि हल्का सा जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। जेफरीज ये भी मान के चल रहा है कि जो टूथपेस्ट सेगमेंट है उसने काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखा है। साथ ही आप देखिए आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय है और जो लक्ष्य है 2160 तक के नए लक्ष्य दे रहे हैं। और वो मानते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटीज है वो 20% से ज्यादा रहने की उम्मीद लगाई जा रही है और इसके चलते ओवरऑल जो नतीजे हैं वो थोड़े से बेहतर आते हुए दिख सकते हैं आने वाले समय में और इसके चलते 1260 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। अब ECC सबसे अच्छे नतीजे हमें ECC में कल देखने को मिले थे, ये पॉजिटिव सरप्राइज थी। और अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ECC पर सिटी की जो लक्ष्य आ रहे हैं, खरीदारी की राय है 2175 तक के लक्ष्य वो दे रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच यहाँ पे अभी भी थोड़े से न्यूट्रल रेटिंग है और उन्होंने लक्ष्य बढ़ा दिया है, 1695 था लक्ष्य, यहाँ से बढ़ाकर 1773 तक के नए टारगेट्स वो यहाँ पे सुझा रहे और ये न्यूट्रल रेटिंग है। और साथ ही आप देखिए CLSA यहाँ पे भी होल्ड रेटिंग है, लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया है, 2000 से बढ़ाकर 2050 कर दिया। मानते हैं जो कामकाज मुनाफा है वो 8 साल के उच्चतम स्तर पर है और ये काफी पॉजिटिव है, लेकिन जो कीमतें हैं वो थोड़ी सी अब अगले क्वार्टर से थोड़ी सी घटती हुई दिख सकती है। तो इसका जो फायदा वो नेक्स्ट क्वार्टर में और इसकी जो घटने की आशंका वो नेक्स्ट क्वार्टर में दिख रही है, लेकिन ये वाले जो नतीजे आते हुए दिखे वो बेहद शानदार नतीजे आते हुए दिखे और इसी के चलते हमने देखा कि आज CLSA ने 50 रुपये तक के लक्ष्य बढ़ा दिए। बिल्कुल देवांशी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं कर्नाटक के सियासी हलचल की। बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद
कर्नाटक में सरकार की गुत्थी जल्द सुलझती नहीं दिख रही है। कल विधानसभा में विश्वास मत पेश तो हुआ लेकिन वोटिंग नहीं हो पाई। इस बीच कर्नाटक के राज्यपाल ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए नई समय सीमा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी को आज दोपहर 1:30 बजे तक विश्वास मत पर वोटिंग का आदेश दिया है। हालांकि इस बात की उम्मीद कम है। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों के मसले पर कांग्रेस और जेडीएस फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। सत्ता में काबिज दोनों पार्टियों को लगता है कि अपने विधायकों को व्हिप जारी नहीं करने का आदेश पार्टी के तौर पर उनके अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 बागी विधायक विधानसभा की प्रक्रिया से अनुपस्थित रहने के लिए स्वतंत्र हैं। कल विधानसभा में जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया था। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।